वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस मंच गोस्वामी फ्रॉम द बायो साइंस अरेना। सो आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज मल्टीपल एलिज्म, जो कि जेनेटिक्स का टॉपिक है। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, देयर वर्क एंड देयर हिस्ट्री। अलोंग विद दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, टेस्ट क्रॉस। इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में सेपरेटली वीडियो बना चुकी हूँ और जिनमें कि मैंने नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं। तो इन वीडियोज के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आज की वीडियो के नोट्स आपको चाहिए तो इस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर नोट्स भी देख सकते हैं। उन्हीं नोट्स को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको वो नोट्स समझने में दिक्कत ना हो। तो मल्टीपल एलिज्म है क्या और ये इससे क्या समझ में आता है? जैसे कि हमने मेंडल्स लॉ में पढ़ा था कि मेंडल ने कुछ अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले थे, अपने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ लॉ अपने दिए थे, जिसमें कि पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। सेकेंड वन इज सेग्रीगेशन एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी के साथ मेंडल ने यह भी बताया था कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो किसी फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, हालांकि वो तब तक ये नहीं बता पाए थे कि वो फैक्टर को जीन्स बोलते हैं। अब वो जो फैक्टर होते हैं ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझे कि एक ट्रेट ले लेते हैं, ट्रेट इन द सेंस कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं हाइट, जो कि मेंडल ने भी ली थी। अब ये जो हाइट है इसके मेंडल ने बताए थे दो फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस एंड द स्मॉल टी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस। इसमें कैपिटल टी शो करता है डोमिनेंट एलील को और स्मॉल टी हमें शो कराता है रिसेसिव एलील को। डोमिनेंट और रिसेसिवनेस के बारे में भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। डोमिनेंट से क्या मतलब है कि ये दोनों अगर कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ आते हैं किसी भी प्लांट में, तो इसका मतलब कैपिटल टी अपने आप को शो करेगा, यानी कि फिनोटिपिकली हमें वो प्लांट कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा। अब स्मॉल टी जब दोनों एक साथ होते हैं, जब दोनों ही पेयर हमारे स्मॉल टी होते हैं, तभी हमें प्लांट ड्वार्फ दिख सकता है। तो कुछ ये अपने कंक्लूजन्स निकाले थे मेंडल ने। लेकिन अब साइंस पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो हर जगह हमें एक्सेप्शनल केस देखने को मिलते हैं। ऐसे ही और भी आगे एक्सपेरिमेंट्स हुए मेंडल के बाद, और भी काफ़ी लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उसके बेस पर हमें ये देखने को मिला कि जो मेंडल्स के लॉ थे इनके भी काफ़ी सारे हमें एक्सेप्शनल केस देखने को मिले, जिसमें कि तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस हैं। फर्स्ट वन इज मल्टीपल एलील, जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड वन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड द थर्ड वन इज कोडोमिनेंस। तीन हमारे एक्सेप्शनल केस हैं जो कि मेंडल्स के लॉ को ये एक्सेप्ट नहीं करते, या हम कहें कि प्रोसीड नहीं करते हैं। तो मल्टीपल एलील से क्या मतलब है? जैसे कि मेंडल ने बताया था कि किसी भी ट्रेट के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। जब गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ये फिर अलग अलग हो जाते हैं, वो जो कि इन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बताया था। लेकिन काफी जगह ये भी देखने को मिला कि किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के सिर्फ दो ही एलील नहीं होते हैं, दो से ज्यादा भी एलील प्रेजेंट होते हैं। तो इसी को बोल दिया गया मल्टीपल एलील। मल्टीपल इन द सेंस मोर देन टू, मल्टीपल केस हो सकते हैं। तो मल्टीपल एलील की क्या डेफिनेशन बनती है? When, जब भी मोर देन टू फॉर्म ऑफ ए गिवन जीन, यानी कि किसी भी जो कोई भी जो जीन है उसकी दो से ज्यादा फॉर्म होती है, यानी कि दो से ज्यादा एलील होती है किसी भी स्पीशीज में, उसको हम मल्टीपल एलील कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, मल्टीपल फॉर्म ऑफ एलील इज नोन एज मल्टीपल एलील। अब उसके बाद ये जो मल्टीपल एलील्स होती हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? तो ये सेम लोकस पे प्रेजेंट होती है। लोकस का मतलब होता है लोकेशन। तो जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उसके सेम लोकेशन पर प्रेजेंट होती हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम से क्या मतलब समझ में आता है? जैसे कि हमें पता है ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, यानी कि टोटल कितने, अगर हम ह्यूमन में बात करें टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं, 23 पेयर होते हैं।
तो किसी भी जब ऑफस्प्रिंग में जब जायगोट बनता है तो 23 क्रोमोसोम हमारे मदर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं। तो अब जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है जो मदर से आया है और ये क्रोमोसोम है जो फादर से आया है। तो अगर हम बात करें किसी भी स्पेसिफिक जीन की जो एलील है वो सेम लोकेशन पे होगी, यानी कि अगर मदर पे जो वो एलील है वो इस लोकस पे प्रेजेंट है तो फादर के पे भी इसी लोकस पे प्रेजेंट होगी। ऐसा नहीं है एक यहाँ पर है तो जो फादर से आया वो यहाँ पर होगी, नहीं, सेम लोकेशन पर प्रेजेंट होती है। इसीलिए बोला गया है इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लोकस ऑफ होमोलोकस क्रोमोसोम। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। उसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इट मे बी मैनी एलील। जैसे कि हमें पता है कि मल्टीपल एलील में बेशक से काफी सारी एलील हो सकती हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर किसी भी एक जीन के लिए, लेकिन क्या होता है कि किसी भी एक इंडिविजुअल में सिर्फ और सिर्फ दो ही एलील ट्रांसफर होती हैं या फिर दो ही एलील प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि अगर हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें तो ब्लड ग्रुप की हम एलील हमें पता है कितनी होती है, IA, IB और IO, जिसको हम सिंपल स्मॉल आई से भी डिनोट कर देते हैं। बेशक से ब्लड ग्रुप का जो जीन है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, तो उसकी तीन एलील है, लेकिन किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन में किसी भी एक स्पेसिफिक बंदे में ये तीनों एलील प्रेजेंट नहीं होंगी, इनमें से सिर्फ दो ही एलील उसमें प्रेजेंट होती हैं। कहने का क्या मतलब है कि या तो दो एलील आई ए की होंगी, या दोनों एलील हमारी आई बी होंगी, या दोनों एलील आई ए या आई बी प्रेजेंट होगी किसी भी एक इंडिविजुअल में डिप्लॉयड फॉर्म में, या फिर आई स्मॉल आई मतलब कि जो ओ ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से प्रेजेंट होगी, या फिर आई ए और आई ये प्रेजेंट होगा, या फिर आई बी आई ये प्रेजेंट होगा। यानी कि सिर्फ एक इंडिविजुअल में दो तरह की एलील ही प्रेजेंट होती हैं। अब उसके बाद तो मल्टीपल एलील होने का क्या रीजन हो सकता है, तो एक जो मेन रीजन माना जाता है म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से भी हमें एक नया कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल पाता है या मिल सकता है जिसकी वजह से मल्टीपल एलील यानी कि और भी ज्यादा एलील प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब एक और पॉइंट यहाँ रह गया कि दे शो मेरिस्टिक टाइप ऑफ जर्मिनल वेरिएशन। तो इससे क्या मतलब है, मेरिस्टिक टाइप ऑफ वेरिएशन से क्या मतलब है यहाँ, तो इफ देयर इज एनी चेंज इन जर्मिनल सेल, यानी कि जो हमारी जर्मिनल सेल होती है उसमें कोई भी चेंज आता है तो वो क्या होता है, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता चला जाता है, जिसकी वजह से वो जो एलील होती है वो भी ट्रांसफर होती चली जाती। तो इसी तरह के को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टिक टाइप ऑफ जर्मिनल वेरिएशन बोलते हैं। तो इसकी वजह से जो वेरिएशन प्रोड्यूस होती है उसी को हम मेरिस्टिक टाइप ऑफ जर्मिनल वेरिएशन बोलते हैं। ये जो मल्टीपल एलील होती हैं ये डिप्लॉयड सेल्स में ही नहीं, जो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी प्रेजेंट होती है। इट्स अ सिंगल एलील, उसकी जो सिंगल एलील होती है वो सभी तरह के हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। तो मल्टीपल एलील के और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि इसमें है कोट कलर इन रैबिट। रैबिट का जो कोट कलर होता है उस पे क्या डिफरेंस होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, कोट कलर इन द सेंस जो बॉडी के जो फर होते हैं उनके कलर की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसमें क्या क्या देखा गया है, पहला है फुल कलर एगोटी, जिसमें क्या होता है डार्क ब्राउन कलर होता है रैबिट का, तो उसको कैपिटल सी या फिर हम प्लस से भी डिनोट करते हैं। दूसरा है चिंचिला, जिसमें क्या होता है कोट कलर सिल्वरी ग्रे कलर का होता है, जिसको हम सी के ऊपर CH से डिनोट करते हैं। उसके बाद है हिमालयन, जिसमें क्या होता है फर व्हाइट होते हैं, पिंक आईज होती हैं और फीट नोज और ईयर्स ब्राउन कलर के होते हैं, हम डिनोट करते हैं सी के ऊपर H से। उसके बाद है लास्ट एल्बिनो। एल्बिनो यानी कि कोई भी पिगमेंट नहीं है कोट कलर रैबिट के कोट कलर में, और इसको हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। अब इनमें कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, तो जो सभी कलर पे डोमिनेंट है वो है हमारा कैपिटल सी, उससे लीस्ट है
है, उससे लेस है सी एच, एंड देन उसके बाद हिमालयन, एंड देन उसके बाद एल्बिनो। कहने का क्या मतलब है कि अगर सी प्लस किसी के भी साथ आ जाए तो ये सभी पर डोमिनेंट है। अगर मैं बात करूं सी एच यानी कि चिंचला कोट कलर की, तो ये इस पर तो रिसेसिव है, लेकिन इन दोनों पर क्या है, ये डोमिनेंट है। यानी कि सी सी एच अगर आ जाता है सी एच यानी कि हिमालयन के साथ तो ये डोमिनेंट है, लेकिन अगर ये आ जाता है सी प्लस के साथ तो अब ये रिसेसिव हो जाएगा, ये डोमिनेंट हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सी एच यानी कि जो हिमालयन कलर है, कोट कलर है, ये इन दोनों के लिए तो रिसेसिव है, लेकिन इसके लिए ये डोमिनेंट है। और एल्बिनो यानी कि जिसमें नो पिगमेंट, कोई पिगमेंट नहीं होता, ये सभी के लिए रिसेसिव है। तो इसी सीक्वेंस में इसको मैंने यहाँ पर लिखा है। दूसरा एग्जांपल इसका है माइस के कोट कलर का। तो माइस का जो कोट कलर है उसमें ग्रे कलर हमें देखने को मिलता है, जिसको हम एगोटी कोट कलर बोलते हैं, ए प्लस से डिनोट करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। उसके बाद हम बात करें स्मॉल ए से जो डिनोट करते हैं, ये हमारा एल्बिनो होता है यानी कि जिसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है। उसके बाद है ए एम से जो डिनोट करते हैं, मीडियम लाइट कलर होता है, ग्रे कलर। उसके बाद ए से यानी कि एक्सट्रीम लाइट यानी कि बहुत ही हल्का कलर होता है ग्रे कलर का, तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो अब इसमें भी हमने इसी सीक्वेंस में करा है, कैपिटल ए डोमिनेंट है और जो हमारा एक्सट्रीम लाइट है ये हमारा सभी पर रिसेसिव होता है। और हमारा जो ए प्लस है ये तो हमारा नॉर्मल एलील है, लेकिन ये जो तीन है हमारे कौन कौन से, एल्बिनो और लाइट ग्रे और एक्सट्रीम लाइट ग्रे, ये तीनों हमारे म्यूटेंट एलील होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मल्टीपल एलील म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, द बायो साइंस अरीना के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। उसकी लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।